The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar dosto, aaj hamari baatcheet liver se shuru hogi aur hepatitis बहुत ज़रूरी टॉपिक है. आप सबको पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस क्यों होता है, किस कारण से होता है, क्या क्या रीजंस होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. दोस्तों हेपेटाइटिस लिवर का इन्फ्लेमेशन या लिवर में सूजन जब आ जाती है तो उसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं. हेपेटाइटिस किसी भी प्रकार के लिवर की सूजन की वजह से हो सकती है. मतलब लिवर में इन्फ्लामेशन को हमने ऑलरेडी देखा है पहले एक वीडियो में. और किसी भी प्रकार से लिवर में सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, दैट इज़ हेपेटाइटिस. सो हेपेटाइटिस हो सकती है कि आप ही की खुद की इम्यूनिटी अगर आप ही के लिवर को डैमेज कर रही है तो हो सकती है. दैट इज़ इम्यून, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, राइट. इम्यून सेल्स खुद ही की बॉडी के लिवर डैमेज कर रहे हैं. या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है आपके लिवर के अंदर. हेपेटाइटिस ए का वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ऐसी ही डी और ई भी है, ए टू ई. और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल पैरासाइट इन्फेक्शन भी हो सकता है. लिटरली वर्म्स जा सकते हैं आपके लिवर के अंदर. सो बहुत सारे कारणों से हेपेटाइटिस हो सकता है. अल्कोहल ज़्यादा पीने से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है. पॉइजन्स जो जहर देते हैं, जहर से हेपेटाइटिस हो सकता है अगर किसी ने जहर दे दिया तो. यहाँ तक कि दवाओं से भी हेपेटाइटिस होता है. पैरासीटामोल, क्रोसिन जो आप भगा भग खाते हो, वो क्रोसिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा डोसेज ले लेने से भी, ओवरडोज लेने से भी हेपेटाइटिस हो सकता है. यहाँ तक कि फैटी लिवर, ऑब्वियसली लिवर में फैट जमा होता है, grade 1, grade 2, grade 3 सालों तक जमा होते वहाँ पर, वो भी हेपेटाइटिस करेगा, राइट. सो ये सारी कारण हो सकते हैं हेपेटाइटिस के. और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर बचपन से कोई कंजनाइटल बीमारी हो आपको, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, हीमोक्रोमेटोसिस हो, जिसमें कि लिवर में आयरन जमा हो रहा है, उसमें भी आपके लिवर को डैमेज होगा, वो भी हेपेटाइटिस के जैसा ही डैमेज होगा, राइट. विल्सन्स डिजीज़ हो सकता है जिसमें कॉपर जमा हो रहा है. अल्टीमेटली होगा क्या, जब भी लिवर हेपेटाइटिस होगा, जब भी डैमेज होगा लिवर किसी भी कारण से, सो आपको लिवर ऐसा भी हो सकता है कि वो एकदम से शुरू हो, लिवर में एकदम प्रॉब्लम बढ़ जाए और जल्दी से ठीक भी हो जाए, ये भी होता है. या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत लंबे समय में धीरे 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 डैमेज हो रहा है लिवर और फिर वो ठीक होने में बहुत टाइम लगाएगा. सो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस है. एक्यूट यानी ये पहला वाला जो जल्दी खराब हो रहा है, जल्दी ठीक हो रहा है, और क्रोनिक हेपेटाइटिस लंबा होता है. और यहाँ तक कि अगर हेपेटाइटिस रहे, क्रोनिक रहे, तो वो लिवर डैमेज तो करेगा ही, साथ ही लिवर फेलियर, ऑब्वियसली ज़्यादा लिवर डैमेज हो गया तो फेल होगा. याद रखिए, आपके लिवर को काम करने के लिए सिर्फ 20% लिवर चाहिए काम करने के लिए, 20-25. सो 80% से ज़्यादा डैमेज हो गया तो फिर लिवर फेल होना शुरू हो जाएगा. फिर लिवर सिरोसिस होगा, लिवर सिरोसिस साथ में हो सकता है, राइट. लिवर सिरोसिस अलग से हो सकता है, और इवन लिवर कैंसर हो सकता है अगर बार बार हेपेटाइटिस हो रहा है या क्रोनिक लंबा चल रहा है तो, राइट. और बहुत सारे फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे कि आपकी कंडीशन कैसी हो रही है, लिवर डैमेज कितना हो रहा है, इलनेस कितना हो रहा है. सबसे कॉमन जो हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस ए है, ए फॉर एप्पल, हेपेटाइटिस ए जो शॉर्ट टर्म होता है, सबसे कॉमन, जिसे आप पीलिया कहते हो. पीलिया सबको, जिसको बचपन से आज तक एक ना एक बार पीलिया हुआ होगा, और फिर उन्होंने क्या झाड़ा करवाया या बिना झाड़ा कराया या दवाई खाई या नहीं खाई, अपने आप ठीक हो जाता है वो. तो हेपेटाइटिस ए शॉर्ट टर्म होता है, उसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए वो कोई तरीके की क्रोनिक लिवर प्रॉब्लम नहीं करता. तो किसी भी प्रकार का हेपेटाइटिस हो, लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो, तो सिम्टम क्या आएंगे, आपको दिक्कत क्या आएगी. आपको सिम्टम आएंगे, आपको बेली एरिया पे, पेट में दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, यूरिन में चेंज आएगा, यूरिन डार्क कलर की हो जाएगी, और स्टूल्स जो होंगे वो लाइट कलर के होते शुरू हैं. लैटरिन आपकी सफ़ेद के आसपास आने शुरू हो जाएगी, थोड़ी लाइट 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 कलर की हो जाएगी. कमज़ोरी होगी, लो ग्रेड फीवर होगा, शरीर में बिलीरुबिन इकट्ठा होता है, क्योंकि नॉर्मली लिवर का काम है बिलीरुबिन जो बाइल है बाइल में बना दे, बिलीरुबिन बाइल में नहीं बनता है, इसीलिए वो बाइल बिलीरुबिन जो है लैटरिन में नहीं जाता है, तो वो वाइट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बिलीरुबिन ही है जो उसको कत्थई कलर देता है,
अगर आपने हमारा दूसरा वीडियो देखा है जॉन्डिस वाला, स्टर्कोबिलोनोजन वाला, तो आपको समझेगा, राइट। सो वहाँ पर वाइटिश कलर की लैटरिन आ रही है और जो बिलीरुबिन ज़्यादातर आ रहा है वो खून में चला जा रहा है। तो खून में जाएगा तो क्या होगा, खून में जाएगा तो वो खुजली करता है जहाँ जहाँ जाता है, ज़्यादा डिपॉजिट होने लगता है चमड़ियों में, तो बिलीरुबिन इचिंग करेगा, साथ ही आपके येलो कलर करेगा, क्योंकि येलो येलो बिलीरुबिन है तो आंखें येलो, आपकी स्किन येलो, आंखें वाइट वाला पार्ट्स, क्लेरा येलो होने लगा, जॉन्डिस हो जाएगा बेसिकली आपको। तो भूख भी नहीं लगेगी, भूख क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि लिवर काम नहीं कर पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो शरीर भूख मार देगा, क्योंकि आप खाना पचा नहीं पाओगे, खाना खाओगे पेट दर्द होगा, है कि नहीं, तो उसलिए उल्टी आएगी, नौजिया होगा, वेट लॉस होगा, राइट, लो ग्रेड फीवर होगा, राइट, कमजोरी आएगी, और इतना सारा बिलीरुबिन यूरिन आपके ब्लड में घूम रहा है तो वो यूरिन में निकलने की कोशिश करेगा, इसलिए यूरिन होती जाएगी डार्क 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 येलो। सो ये होता है किसी भी प्रकार के लिवर डैमेज, किसी भी प्रकार के हेपेटाइटिस का सिम्टम। सो चाहे वो किसी भी कारण से हो, हेपेटाइटिस ए बी सी किसी भी कारण से हो, ये सिम्टम होगा, किसी में ये धीरे 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 आएगा, किसी में एकदम से आ जाएगा, बहुत बढ़ता जाएगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस इन हेपेटाइटिस। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, वो ज़रूर दबाइए, राइट। और कभी कभी क्या होता है, लिवर जैसे ही इन्फेक्ट हुआ, जैसे ही मान लीजिए अगर इन्फेक्शन है, जैसे ही दिक्कत शुरू हुई वैसे ही सिम्टम शुरू हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत दिनों बाद लिवर सिम्टम शुरू होते हैं। सो जैसे हेपेटाइटिस बी और सी के सिम्टम बहुत टाइम के बाद शुरू होते हैं, ए के सिम्टम तुरंत शुरू हो जाते हैं, हेपेटाइटिस ए, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस ज़्यादा पी लिया, अल्कोहलिक का भी बाद में भी हो सकता है, हैवी ले लिया तो जल्दी हो सकता है। सो इसीलिए आपको अपने रिस्क फैक्टर ज़रूर असेस करने पड़ते हैं, रेगुलरली टेस्ट कराना पड़ता है, और टेस्ट करने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, मान लो आपको इसमें से कोई सिम्टम है तो आपको लिवर में सूजन भी मिल सकती है, लिवर सूजा हुआ मिल सकता है, वो अल्ट्रासाउंड में भी मिल सकता है, हाथ लगाने पे नीचे भी पता चलता है डॉक्टरों को, लिवर पाल्पेबल हो सकता है, पेट में पानी मिल सकता है, क्योंकि जब लिवर में फेलियर होता है या इसी का इन्फेक्शन होता है तो लिवर पानी छोड़ता है, बिल्कुल वैसे जैसे चोट लगने पर पानी निकलता है वैसे चमड़ी से, वैसे लिवर से पानी छूटता है, तो पेट में पानी जमा होता है, एसाइटिस होता है, याद रखिए। और ऑब्वियसली चमड़ी में येलोनेस, जॉन्डिस तो रहेगा, ये तीन चीज़ें तो साफ साफ दिख जाएंगी। इसके बाद अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे क्या दिक्कत है, लिवर के अंदर फाइब्रोसिस है, सिरोसिस है, फैटी लिवर है, लिवर में सूजन है, लिवर में गांठ है, लिवर में बहुत बड़ी क्या क्या चीज़ें हैं लिवर में बेसिकली, राइट। कभी कभी सिस्ट मिल जाता है, कभी हाइड्रेटेड सिस्ट, कभी कीड़े, तो व्हाट एवर इट इज लिवर में वो दिख जाएगा अल्ट्रासाउंड में। फिर ऑब्वियसली आपके ब्लड टेस्ट होंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट, हेपेटाइटिस के सेट, हेपेटाइटिस ए बी सी इनके टेस्ट होते हैं, ऑटो इम्यून ब्लड मार्कर्स होते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है, लिवर की अगर लिवर में कैंसर जैसा सिस्टम दिख रहा है कि कैंसर हो सकता है तो लिवर की टुकड़ा लेके बायोप्सी कर सकते हैं, या नैश लग रहा है, नैश आपको पता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के नेक्स्ट स्टेज आता है नैश, राइट, अगर नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, राइट, दैट इज नैश, सिरोसिस, राइट। सो ये होता है, पेट में अगर पानी मिल जाए तो पानी निकाल के जांच की जा सकती है कि पेट में पानी आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या ये एक्चुअल हेपेटाइटिस के ही पानी है या कोई और कारण हो रहा है पानी का, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच कैन बी डन। फिर अल्टीमेटली आएगा ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली देखिए ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा जो कारण है, अगर कारण आपका वायरल इन्फेक्शन है, अगर कारण है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, तो फिर उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, आपको वायरस को मारने के लिए दवाइयाँ आती हैं, एंटीवायरल मेडिकेशंस आती हैं, और साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, हल्का आहार खाना होता है, डाइटिंग करनी होती है थोड़ी बहुत, राइट। आपको अगर आप वजन कम हो रहा है तो आपको हाई कैलोरी डाइट खानी होगी, लेकिन डाइट ऐसी खानी होगी जो आराम से पचे, यानी रेगुलर स्मॉल इंटरवल्स, अल्टीमेटली जो डाइट हम मोस्टली आपको बताते हैं वही खानी होगी। और अगर लिवर में इन्फेक्शन मान लीजिए किसी पैरासाइट के वजह से है, तो वो बैक्टीरिया या पैरासाइट के लिए फिर एंटीबायोटिक दे सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस के लिए एंटीवायरल, बी और सी के लिए एंटीवायरल देना होता है, ए के लिए कोई एंटीवायरल की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही काफ़ी होता है, मॉनिटरिंग काफ़ी होती है, राइट। इसी के लिए आपको जो बेस्ट डॉक्टर होते हैं इसके लिए फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, ज़्यादातर हेपेटाइटिस में लिवर डैमेज नहीं होता है, लेकिन ए में जो मोस्ट कॉमन है हेपेटाइटिस ए हो गया, उसमें लिवर डैमेज नहीं होता है ज़्यादातर इसमें, लेकिन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, बाकी सारे में लिवर डैमेज हो सकता है। सो रिमेंबर, आपको रेगुलरली अपने लिवर को चेक करना है, ऐसे में अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो ऑब्वियसली मैंने बताया लिवर फेलियर, लिवर कैंसर, परमानेंट लिवर डैमेज जिसको सिरोसिस कहते हैं, वो हो सकता है। तो आप प्रिवेंट कैसे करोगे,
बट ऑब्वियसली प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है. हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन है, राइट. हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, सी की नहीं है. वैक्सीन ए की है और बी की है, सी की अभी नहीं आई है. सी की आएगी थोड़े दिनों बाद, देखें कब आती है. और याद रखिए, जब भी आप यूज़ करते हैं किसी और का कोई भी यूजेबल चीज़, तब आपका रिस्क बढ़ जाता है. तो किसी और की आइटम्स जैसे कि रेजर ब्लेड, टूथब्रश, ये सब चीज़ें किसी के और को लगाया हुआ कोई चीज़, कोई इंजेक्शन, खुद को ना लगाएं, राइट. डू नॉट शेयर ड्रग नीडल्स, अगर कोई भी ड्रग इक्विपमेंट्स, कोई भी दवाई को लेने वाली चीज़ें एक दूसरे के पेशेंट्स को, एक दूसरे को नहीं लगाने देना चाहिए. चाहे वो छोटे ऐसे एरिया में क्यों ना हो जहाँ पर उतने सप्लाईज नहीं है, लेकिन बीमारी से ज़्यादा खतरा, ज़्यादा तो बचाव नहीं, बचाव तो बहुत ज़रूरी है ना दोस्तों. सो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है. और पानी बहुत ज़रूरी है. हेपेटाइटिस ए फैलता है फीको ओरल रूट से, जो अब बारिशों के मौसम में फैलता है, गंदगी से, अनहाइजीनिक कंडीशन से. अगर किसी ने हाथ धोए बगैर फिर आप वह गोलगप्पे खा रहे हैं उसमें, तो फिर वो फैल जाएगा सीधा. बैक्टीरियल फाइनी और हेपेटाइटिस ए का वायरस, बैक्टीरियल पैरासाइट, ये सब इसी से फैलते हैं. इसलिए हाइजीन बहुत ज़रूरी है, राइट. टैटू वैटू लगवा रहे हैं तो टैटू का ध्यान रखिए कि वहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट एक से दूसरे में बिना क्लीन करे, बिना वो किए नहीं यूज़ होने चाहिए, वरना उससे भी आपको हो सकता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, ऐसी चीज़ें हो सकती है. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स अच्छे से, जब भी आप वॉशरूम जाते हो, जब भी यूरिन जाते हो, हमेशा अच्छे से. और जो भी खाना खाओ क्लीन खाना खाओ, पानी पियो क्लीन पानी पियो. ये सब करोगे तो हेपेटाइटिस से प्रिवेंट हो जाएगा, हेपेटाइटिस नहीं होगा आप लोगों को. और हो गया है तो भी डरने वाली बात नहीं है, टेस्टिंग अवेलेबल है. टेस्टिंग के बारे में अभी बात करते हैं अगले सेक्शन में. तब तक के लिए आप अपने सवाल लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में, विल ट्राई टू आंसर. थैंक यू सो मच.